जिंदाबाद संतई डोगरा जी जिंदाबाद संतई डोगरा जी जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद पटेल साहब जिंदाबाद पटेल साहब जिंदाबाद पटेल साहब जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद संतई डोगरा जी जिंदाबाद संतई डोगरा जी जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद पटेल साहब जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद पटेल साहब अरे आपने अब तो जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद श्री राहुल गांधी जिंदाबाद श्री राहुल गांधी जिंदाबाद संतई डोगरा जी जिंदाबाद पटेल साहब जितने भी पीछे से आप आ रहे हैं और जितनी भी स्टेशन राहुल जी पार करके आ रहे हैं
सभी स्टेटों से ज्यादा वेलकम हमारे स्टेट में होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ इतना याद रखिए। मानते हैं कि राहुल गांधी जी द्वारा जो यात्रा चलाई जा रही है वो बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पे हमारे कठुआ में इंटर करने वाली है, तो मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो ब्लॉक की तरफ से कठुआ ब्लॉक की तरफ से जो भी अध्यक्ष जी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई है हम पूरे तहे दिल से निभाएंगे, और इस यात्रा को जो राहुल गांधी जी एक तूफान लेके चले हुए हैं उस तूफान की जो तीव्रता है उसको कम नहीं होने देंगे, उस तीव्रता को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जो भी हमारे से होगा अपने कठुआ ब्लॉक से जो हमारे अध्यक्ष जी ने ड्यूटी लगाई है पूरे दिन रात, चाहे हमें रात को 2 बजे हमारी ड्यूटी लगाएं चाहे सुबह लगाएं, हम अपनी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से निभाएंगे और यहाँ से इस तूफान को और तीव्रता बढ़ाएंगे। धन्यवाद साहब पंकज डोगरा जी और आज के हमारे मेहमान कपिलेश्वर जी जी। सर ऐसा है कि जब से राहुल जी की यात्रा तो कन्याकुमारी से शुरू हुई है लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो पिछले 4-5 महीनों से उन्होंने पूरा यहाँ पे अपना दमखम लगाया और सभी लोग जो हमारे उद्योगदार हैं और सभी फंक्शनर आ रहे हैं जी ना उनको सभी को साथ लेके और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे पूरा यकीन है कि 19 तारीख को और 20 तारीख को आप अपनी नज़रों से देखोगे देखेंगे कि जो इन्होंने मेहनत की है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने और हमारे सभी साथियों ने हमारे ब्लॉक से लेकर और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो उस दिन आपको सभी का जो हमारी मेहनत है उसका वो आपको जो नतीजा वो आप खुद ही निकालेंगे कि हमने कितनी मेहनत की है या नहीं की है। मुझे लगता है कि आपके यहाँ आने से हमारा हौसला और बढ़ा है, हमें हम तो पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे जो जहाँ के साथी थे उनके ऊपर भी निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो आप हमारी जो भी ड्यूटी आप लगाएंगे आप आज के बाद आज इसी टाइम के बाद हम पूरा उसको आपको ताबूत देंगे, पूरा आपको कोऑपरेशन देंगे, हमारी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक सेवा दल का सवाल है आप हमें बताएंगे कि हमारा क्या क्या रोल रहेगा, हम आपके डिस्पोजल आज के बाद हम आपके डिस्पोजल के ऊपर है। शुक्रिया मेहरबानी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट कठुआ साढ़े पंकज डोगरा जी और साढ़े आए हुए मेहमान पटेल जी जी जो डिप्टी पंकज जी ने लाई हुई है बार से जोड़ो यात्रा वास्ते सारे डिस्ट्रिक्ट के जिन्हें भी आए अहदेदार हैं छोटे बड़े जो भी अं कांग्रेस कारागर वर्क कमेटी के बंदे हाँ अं सारा जरा 19 तारीख में जो जो इन्हें डिस्ट्रिक्ट साहब ने सू दसिया अं पूरे उतरेंगे जिते जिते साड़ी ड्यूटी लाएंगे असं दिन रात राहुल गांधी की जी यात्रा बार से जोड़ो उसे चाहिए शरीक होंगे। जय हिंद जय भारत। स्वागत करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी का और बाकी हमारे मेहमान जितने यहाँ पे बैठे हैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं NSUI स्टेट जनरल सेक्रेटरी जति आप सबको बताना चाहता हूँ कि NSUI की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तैयारी है। हमारे यहाँ पे लखनपुर के अंदर हमारे 1,000 से 1,500 के करीब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर यात्रा के साथ चलेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो जितने भी स्टूडेंट इश्यूज़ हैं उसको भी हम राहुल गांधी जी के आगे रखेंगे। जैसे कल हम जम्मू के अंदर प्रेस क्लब में सब इंस्पेक्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं उनके साथ भी हम कल मिले हैं, कल हमने उनको भी जागरूक किया इसके बारे में, उन्होंने भी अपने डेलीगेशन तैयार किया जो कि वो भी राहुल गांधी जी के साथ हमारे यहाँ पर मिले। अपना जिले दे रहे भाई पंकज डोगरा जी जिलाध्यक्ष कठुआ डिस्ट्रिक्ट, आदरणीय सरदार भाटिया जी, आदरणीय पंकज शर्मा जी जो PCC की तरफ से उनको अंकित किया है समन्वय के लिए, आदरणीय निर्दोष शर्मा जी, आदरणीय हमारे सेवा दल के अध्यक्ष शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मानित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गण, छात्र संगठन NSUI के प्रदेश महामंत्री, सभी विभागों के अध्यक्षगण, उपस्थित सभी साथियों, ये जो राहुल जी की यात्रा है राहुल जी की यात्रा इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं 3,700 किलोमीटर पैदल चलना ये कोई सामान्य बात नहीं। कुमारी से यात्रा की शुरुआत की और आप सब ने देखा होगा, हम आपको समझते हैं कि YouTube पे हर कोई डेली देखता है, हम भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं है सोचता है, तो हर व्यक्ति की नज़र आज राहुल जी की यात्रा की आपके प्रदेश में 19 तारीख को प्रवेश करेगी, और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रवेश वहाँ के लोग भी बड़े मुताबले हैं और बहुत
बहुत तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं वहाँ के लोग भी। आपका जो वैली है, वैली में भी लोग काफ़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अब लोग बाई रोड वहाँ भी गए थे, श्रीनगर भी दो दिन रुके थे, बाई रोड से मिलते भी गए थे। इस यात्रा को लेके काफ़ी उत्साह है और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता है उनमें तो अभूतपूर्व उत्साह है इस यात्रा को लेके। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है, हम किसी को काम बांटने नहीं आए, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए आए हैं। आप स्थानीय लोग हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जी हैं, हम इनको बहुत दिन से जानते हैं, हम युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे। तो ये हमारे पंकज डोगरा जी भी राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय महासचिव भी रहे युवक कांग्रेस के, फिर स्टेट में भी काम किया, PCC जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ICC सेक्रेटरी भी रह लिए। तो पार्टी हम इतना जानते हैं, अगर हम अच्छा काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, पार्टी के रीति सिद्धांत पे चलते हैं तो मौका मिलता है। बड़ी खुशी की बात है कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, और सुनिश्चित कर लिए क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ ब्लॉक